सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा। आज इस मौके पे इतना कहूंगी कि हमने 300 झंडा अपने हाथों से बनाया। ये करने का जज्बा हमें तभी आया जब हम बाहर के सेट से ये तिरंगे लाते थे, वो हमें बहुत ही महंगे पड़ते थे। इसलिए हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम अपने हाथों से इसे बनाए। ये मुमकिन काम तो नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आर्मी की वजह से ये मुमकिन हो सका, ये नामुमकिन काम। उन्होंने हमें यहाँ पे मशीनें दी के वगैरह, बहुत ही मतलब हमें ये दिया, मेटीरियल दिया, जिसकी वजह से हमने ये तिरंगे बनाए। लेकिन आज हमें इस बात की आज से ज्यादा खुशी हो रहा है कि हमने अपने हाथों से ये तिरंगे बनाए। 300 तिरंगा हमने बनाकर लोगों में बांटा। 26 जनवरी आने वाली, हम उसके लिए और भी झंडे बनाएंगे इंशाल्लाह खुदा की मदद से सर। एक हम इन लड़कियां पहले बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होती थी, लेकिन आज हम आर्मी की मदद से हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं सर। हम अपने हाथों से घर परिवार चला सकते हैं, अपने खुद का काम करके, जैसे कि फैन बना सकते हैं, मशीन से कपड़े सिल सकते हैं, तिल्ला वगैरह सब कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज ये फ्लैग्स बनाए सर, तो हम अपना घर परिवार खुद चला सकते हैं। हमने आज तक तिरंगा देखा ही था, कभी सोचा नहीं था कि हम भी इसे अपने हाथों से बना पाएंगे। 26 जनवरी आने वाली है, हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमने 300 तिरंगा अपने हाथों से बनाकर लोगों में बांटे हैं। जो लोग तिरंगा नहीं लहराना चाहते, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो भी ये तिरंगा लें और अपने दिल में देखें कि उन्हें ये झंडा लहरा के कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी महसूस होती है कि ये आज हमने अपने हाथों से ये तिरंगा बनाया और बना के अपने गांव में, घरों में या किसी भी स्कूल सेंटर में ये लहराया। बहुत ही खुशी होती है।